सिर पर चोट, आंखों में आंसू और सामने आई निशा रावल सफेद पट्टी के साथ। जी हाँ, टीवी के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम करण मेहरा, जो कि अक्षरा के नैतिक भी थे, उनकी बीवी एक्ट्रेस निशा रावल ने उन्हीं के ऊपर मार पिटाई का आरोप लगाया, जिसके बाद 31 मई को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गोरेगांव पुलिस स्टेशन ले गई, जिसके बाद 1 जून को उनकी जमानत भी हो गई। लेकिन उसके बाद अब निशा रावल मीडिया के सामने आई, और जब सामने आई तो ग्रे कलर की चुनरी ओढ़े, माथे पर चोट के निशान के साथ और सफ़ेद पट्टी के साथ वो बाहर निकली। उन्होंने कहा कि करण की आज की इमेज और आज से 14 साल पहले की इमेज में कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि स्क्रीन और फैंस के बीच उनकी इमेज एक आदर्श लड़के की रही है, तो मैंने भी कोशिश यही की कि उनकी इमेज बनी रहे, क्योंकि इससे उनके करियर पर असर पड़ता। वो हर बार गलती करते थे और कहते थे कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, तो मैं भी चुप रहती थी। मैंने कई बार करण से बात करते हुए ये कहा कि इस रिश्ते को खत्म करते हैं, तो करण भी इस बात से राजी हो गए। हमने अपने अपने लॉयर हायर किए, वो चंडीगढ़ से आने के बाद क्वारंटाइन थे, कल जाकर रात को हमारी बहस हुई। वो हमेशा मुझे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अब्यूज करते रहे हैं, अब मुझे लगता है कि मुझे स्टैंड लेना चाहिए था। मेरे भाई पिछले 4 दिनों से रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, कल रात को उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें बात करने की जरूरत है, पुलिस को सारा स्टेटमेंट दे दिया है, उन्होंने मेरी सारी ज्वेलरी ले ली है। रही बात एलिमिनी की, तो मैंने उनसे यही कहा है कि आप पर भी भार ना आए, हमारे ऊपर भी भार ना आए। इस घर के लिए मेरे और करण के लिए कविश के पैसे भी लगाए हैं, घर 7 साल पहले लिया था, पिछले साल EMI के लिए उन्होंने मुझसे सारी ज्वेलरी और कविश के पैसे भी ले लिए। जी हाँ, निशा रावल ने कहा कि करण ने मुझसे पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार मार पिटाई की है। वो एक्टर तो हैं, तो उन्हें पता है कि कौन से रूम में कैमरा और कहाँ क्या नजर नहीं आना चाहिए। नेहा ने कहा कि कितनी बार मेरी आंखों के नीचे काले घेरे भी रहते हैं और चोटें भी मैंने खाई हैं, लेकिन मैं हर बार यही सोचती रही कि करण को आदर्श लड़के की छवि बनी रहने दूं और कोई भी बात सामने ना लेकर आऊं। लेकिन अब मुझे लगा कि कविश आगे चलकर क्या कहेगा कि माँ आप ऐसे क्यों सह रही थी, तो मुझे लगा कि अब मुझे शिकायत करनी चाहिए। और रात को करण ने मेरे साथ जो बर्ताव किया, उसके बाद फिर मैंने गोरेगांव में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस उन्हें हाथों हाथ अपने साथ लेकर चली गई, लेकिन 1 तारीख को उन्हें छोड़ दिया गया। मैं मेंटली टॉर्चर हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, और अब मैं करण से अलग होना चाहती हूँ। तो ये थी निशा रावल की स्टेटमेंट। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस तरह की मार पिटाई करने वाले हैं करण? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।